नमस्कार, फिर मीडिया से देख रहे सभी दर्शकों का मैं रितेश कुमार चैनल में स्वागत कर रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मोहाली के बलौंगी से, जहां भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में आमने सामने हो गए। मामला आपको थोड़ा बता देते हैं, टेंट लगा हुआ है, होली समारोह मिल यहाँ पे होना था, साथ में बिल्कुल 10 फुट की दूरी पर भाजपा का टेंट लगा हुआ है, जहाँ पे आज स्टार प्रचारक मनोज तिवारी भाजपा से सांसद है, मनोज तिवारी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसके चलते होली समारोह के जो लोग हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस है, वो कांग्रेस ही है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये रैली नहीं होनी चाहिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन अब स्थिति क्या है आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। क्या कहा भाजपा नेताओं ने, कांग्रेसी नेताओं ने, मौके पर SDM भारी पुलिस बल के साथ तैनात है, क्या बातचीत हुई है, कहाँ पहुँचा ये मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा सरपंच बलौंगी बहादुर सिंह जी, पूरे ना जी अपना प्रोग्राम चल रहा कांग्रेस का कल तो जी अपना 13 से लेकर 17 तक जी, तो उन्होंने अभी मतलब SDM साहब तो परमिशन प्रॉपर इस जगह की मिली हुई है, उन्होंने दशहरा ग्राउंड की लिखा मैनशन कर जी, तो ग्राम पंचायत ने भी देती जी, अगर प्रोग्राम फंक्शन होंगे जी। सर जी इधर सुनिए, एक मिनट डाल अज प्रोग्राम चलता अज BJP ने जी सा बिना पूछे उ टेंट लाते स्टेज लाती सवेर साडे को खबर पहुंची असी भी आ गए रोकते भाई ना रहो उरे रौला पा जाना कोई बिल्कुल नाल नाल है जी पर हुण जिहड़ा लॉ है जी कानून दे मुताबिक 150-200 मीटर दूर चाहीदा इकट्ठियां रैलियां नहीं हुंदियां जी, या अज हो गया कल नूं हो गई जी। हुण इस टाइम पहले थोड़ी देर पहले टूट मैं हुई जी उरे लड़ाई वाला काम हो जाना जी, क्योंकि अलग अलग स्टेज है, शरारती आंसर कोई बोल दू किसी बारे किसी पार्टी बारे गलत बोल दूगा जी, फिर वो साड़ी बदनामी पिंड की बदनामी प्रशासन बड़ा औखा हो गया, पुलिस प्रशासन औखा जी किन मेनटेन करूंगा जी उरे, तो गलत ही जो मुख्य BJP के मेरे मुंडे बंदे जो पहले जी उन्होंने देखना चाहिए भाई सरपंच साहब उरे किसी का है तो नहीं, और चल रहा जी कल भी उरे सारे पिंड की नारे नूरे लाने लग गए जी उरे, भी उन्हें नारे लाते उन्हें नारे लाते हरेक अपनी समर्थन अपनी पार्टी का करता जी। तो हाँ एक दूजी गल जी, साढ़े उरे पैप पे पंचायत साल साढ़े एक पैप है जी, ये हैडरे चक होंगे बैल्ट चक होंगे इन्हें JCB चक चक के उधर गए थे साढ़े सारे पैप टुट गए जी, घट्टो घट साढ़ा 2-2.5 लाख रुपये साढ़े स्टॉक च बोल दो पैप कसूरवार तो देखो मैं JCB वाले पूछा क्या नहीं हम देंगे जी तो करनी जी, मैं JCB वाले पूछा मैं किने बुलाया जी, कहिंदा जी मैनू तां कहिंदा गुड्डू ने बुलाया जी, मैं गुड्डू ने पूछा गुड्डू कहिंदा मैं तां बुलाया नहीं जी है, तो फिर मुंडा JCB इत्थे खड़ा कहिंदा भाई मैं बयान देना मैं पुछ लो मैं दस दिंदा जी। सरपंच साहब तुसीं परमिशन की गल की सी कि तुहाडे कोल परमिशन है जो कांग्रेस का प्रोग्राम कल तो चल रहा है तो अज एक दिन और चलना है, परमिशन से कोई टाइमिंग का भी होना चाहिए और सिर्फ टाइमिंग तुहाडे कोल शाम की हैगी है, ऐसा भी कुछ मसला है? नहीं 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 टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं है जी, टाइम अज साढ़ा 2 बजे का कल साढ़ा 4 बजे का सीगा, असी एक होर भी है ना साढ़े जगह 3 दिन वास्ते रखी हुई है जी, असी मतलब जो परमिशन में लिखा हुआ 13 वास्ते रखी हुई है नहीं जी दसो उ गल है जी, इसी गल करके तो कहते रौला पैंता असी बुलाए थे अपने मौके से समान योग साढ़े मंत्री साहब आए हैं तो स्वागत करे हरेक न्याणा जी आ रहे सबूत जी देखो कि दे। सर अनाउंसमेंट जो हुई है सारी अनाउंसमेंट जो हुई है सर इस नहीं नहीं साढ़े 2-3 दिन लेकर शुरू होना ना प्रोग्राम सर। हुण तुसी की मानते हो बहादुर सिंह जी जिहड़ा परमिशन है इहदे च प्रशासन कसूरवार है क्योंकि 2 रैलियां इकट्ठियां दी परमिशन किवें देती जे उह दोनों देनी चाहीदी सी देखना चाहीदा सी उन्होंने भी कित्थे क्या हो रहा जी उरे,
तो उन्हें देते हूँ देखो साढ़े वास्ते असं भी साढ़े को कल अकाली दल आए थे कहते असी करना प्रोग्राम भाई वो बुक है कहता ठीक है भाई जी मैं होर पासे करना कहता ठीक है जी भाजी मेरी लड़ पी मैं तुम करा देना जितने थोड़ा दिल करना रिटर्न कंप्लेट दी जा रही है रिटर्न कंप्लेट तो देखो जी मैं आरोप ला रहा पैपा नहीं आऊंगा जी मैं ग्राम पंचायत वाले पैपा ही दूंगा डिवेलपमेंट के पैप टुट गए नहीं नहीं दसा चल रहा जी मसला बड़ा मतलब पुख के मुख अधिकारी आए हुए जी वो करूंगे देखो हम बुला रहे हैं एस डी एम साहब भी मौके पर आ रहे हैं वो भी परमिशन देखते पहला कि परमिशन है कागजी पत्री की को जगह की परमिशन है जी तो उस मुताबिक ही होगा साढ़े को जगह की भी परमिशन हैगी है जी साढ़े को यानी कि नहीं सानू कोई इतराज नहीं है सानू तो इतराज है रोक नहीं रहे जी असं क्या भी जगह साड़ी साढ़े को हो रही बिल्कुल नाल है जी असं क्या दूर करो सियासत चलूगा वो दूर करो साढ़े तो नेड़े ना करो क्योंकि चोण का माहौल है जी पूरे कोई पोलीटिकल लीडर आ गए उन्हें कुछ बोलिया फिर पंगा पैना जी इसी करके भी सबके दूर चले जाए जी असं खुद भी हेल्प कर देने जी डेढ़ दो सौ चार प्रोग्राम के कोई सियासत है नहीं कोई ना किसी कांग्रेस का प्रोग्राम है ना किसी नहीं सर देखो रामलीला हर साल रामलीला होंगी है जी तो रामलीला च भी हर साल लीडर आते हैं जी देखो ये गल नहीं है कि जो सत्कारयोग लीडर है कोई भी ऐसी भी कहते बीजेपी वाले अपने कोई चक्कर नहीं है कांग्रेस वाली अपनी है मौके तो किसी को बुला सकते मैं गल कर नहीं नहीं असं नहीं असं सियासत नहीं ने साडे प्रोग्राम जाके सियासत शुरू कर मामला क्या है कि आज बलौंगी में इतनी तादाद में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है इतना सारा कुछ दो दो एक एक जगह पर दो दो कार्यक्रम एक ही टाइम पर इस तरह है देखो जी आपको मालूम है कि मनोज तिवारी जी यूपी बिहार से आते हैं और पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध गायक हैं और बढ़िया लीडर है वो यूपी बिहार के जो मसला होता है उसको बड़े आराम से बहुत सहज तरीके से संसद में उठाते हैं उनकी सभा ना हो यहाँ पे इसके लिए सारा प्रोपेगंडा किया गया है कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस को पता है कि हमारी हार निश्चित है और उसके बौखलाहट में 50 तरह के काम मोहाली के अंदर किया जाता है ठीक है उसके लिए ये आप देखे हो कि वो तो 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए कभी ग्राउंड बुक हुआ है ये तो प्रेशर में किया गया है प्रेशर में करवाया गया है कि जो कोई हाँ परमिशन है बलौंगी का परमिशन है हाँ जी परमिशन है बिल्कुल सर क्या कह रहे थे आपका नाम क्या है हमारे मेरा नाम आदर्श कुमार शर्मा है मैं इलेक्शन एजेंट हूँ संजीव विशेष जी का जी। हमारे पास परमिशन है विद ड्यू कोर्स 2 बजे से लेकर 4 बजे तक और हमारी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है इसमें तिवारी जी आ रहे हैं तो तिवारी जी अपने जो प्रवासी हैं उनको एड्रेस करेंगे लेकिन उसको ये चाहते हैं कि वो एड्रेस ना हो इनमें एक टेरर फैलाया जाए कि ताकि हम ये वोट ना डाल सकें तो इनमें टेरर फैलाने के लिए जो हमें रैली नहीं करने देते अदरवाइज वी गॉट द परमिशन फ्रॉम 2 to 4 फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर विच इज वैलिड एंड वी वॉन्ट दैट वी विल होल्ड रैली दिस प्लेस ओनली कम बट में माहौल लग रहा है अब कर पाओगे हमारा ऐसा है कि हमने देखो लीगल तरीके से हमने कुछ जबरदस्ती नहीं करनी हमने रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है वो हमें उनको होने वाला है सर समय हो रहा है वो आपको हालात लग रहा है कि ऐसे में रैली कर पाना आपके लिए सर ये तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है ये देखिए 2 से 4 बजे तक का ये परमिशन है हमारा और उन लोगों का परमिशन 4:16 से है 4:16 से है उनके इसी ग्राउंड का परमिशन 4:16 से हमारा 2 से 4 है ये देख लीजिए इसके अंदर तो सर क्या इसमें प्रशासन का भी कहीं ना कहीं रोल है कि एक जगह देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है इससे साफ नजर आता है अदरवाइज जिस आदमी ने परमिशन लिया होली मिलन समारोह का वो आता है ना सारे लीडर है कांग्रेसी नारे कांग्रेसी यहाँ पर बताइए यहाँ पर भी कांग्रेसी लीडर नारे लगा रहे हैं वहाँ भी कांग्रेस लीडर नारे लगा रहे हैं पीछे आज मोदी जी की रैली थी 2 बजे हमने स्क्रीन लगा करके एक मैं 2 बजे हमने स्क्रीन लगा करके यहाँ से जो मोदी जी की रैली हो रही है वर्चुअल रैली उसको हमने लाइव करना था उसको उन्होंने रोका उस दिन पहले जो है ना अपने मोदी जी की जो है वहाँ की फिरोजपुर वाली रैली रोका अभी जो है से चाहते हैं किसी भी तरह करके ये काम ना हो जैसे MC इलेक्शन में इन्होंने गुंडागर्दी फैलाया उसी तरह गुंडागर्दी चाहते हैं ठीक है और इनको पता है कि गांव ने भी इनको नकार दिया है ठीक है शहर ने बिल्कुल नकार दिया है इनकी हालत तीसरे चौथे स्थान पे आएगा आपने भी होली मिलन समारोह रखा हुआ है नहीं हमने तो नहीं रखा होली समारोह हमारा तो ये राजनीति का तो मनोज तिवारी जी का एक जो है सो मीटिंग है जनसभा है तो सर ऐसे माहौल में हो पाएगी सर ये देखिए प्रशासन कैसे क्या जवाब देते हैं
किसी कारण से आपकी इस रैली पे या जनसभा पे रोक लगती है तो ऐसे में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे अगर रोक लग जाती है तो? फिर हम जो है इसका कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे, ठीक है, सभा होगी। सर अभी तक क्या फैसला हुआ कुछ अभी तक वो डिसाइड? अभी एसडीएम साहब आए हैं, एसडीएम साहब आकर क्या फैसला करते हैं भाई 10 मिनट 15 मिनट के। कांग्रेस का नाम ले रहे हो, कांग्रेस में कोई यहाँ पर कोई लोकल लीडर है जो जिसकी चेयर पर हो रहा है या आपके पास वीडियो होगा? वीडियो में देख लीजिए सारे है वही है जो यहाँ पर संचालक है, वीडियो आपके पास है। जैसे कि दूसरी तरफ ना उधर से आरोप लगाया जा रहा है कि अनिल कुमार गुड्डू बीजेपी के जो यहाँ से हैं उनका बाय में मतलब नाम लिया जा रहा है, आपकी तरफ से भी कोई कांग्रेस का है जिसके बारे में आप लगता है माहौल खराब कर रहे हैं? देखिए यहाँ की मैं किसी का नाम, वहाँ पर एक हो तो सही, यहाँ पर 5-7-10 है, आपके पास वीडियो में सबका नाम है, आप उसे देखें और देख ले आपको पता चल जाएगा गले में जो पटका पाकर के मैं तो बीजेपी का हूँ या फूल लगाया हुआ हूँ, ठीक है कि नहीं? वो चोरी चोरी या कोई फूल लगाए कोई फूल लगाया हुआ तो जब एसपी साहब ने कहा कि मैं एक जो है चौका मुकदमा बन जाएगा तब थोड़ा सा इधर उधर गए। हाँ जी, नाम क्यों नहीं ले रहे? कांग्रेस का कौन लीडर है? कांग्रेस का कौन है? हम नाम क्यों नहीं ले रहे? कांग्रेस के 5-7 सीनियर लीडर के मंत्री के सीनियर लीडर के पर हुई है, सीनियर लीडर के पर हुई है। एसएचओ ने कहा कि आप उसे टेलीफोन करवा दो, उसे टेलीफोन करवा दो हमारे लिए अनिल कुमार गुड्डू को। हार का नतीजा दिख रहा है, बिल्कुल हार का नतीजा आप जर है पोस्टर आप चले जाओ, आप चले जाओ मोहाली के अंदर, वहाँ पर भी बीजेपी का पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उसके झंडे उतारे जा रहे हैं, उसमें तम का जा रहा है, 50 तरह की बात होती है। इसके पीछे क्या मंशा है कांग्रेस वालों की? कांग्रेस को चाहता है किसी न किसी तरह करके इस इलेक्शन को जो है सो थोड़ी से जो वोट डालेगा बीजेपी को उसको दबाया जाए, और कुछ नहीं है। लेकिन इस बार सभी ने मन बना लिया है कमल के फूल को जिताना है और सिद्धू को हराना है, गुंडागर्दी खत्म करना है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं पहले, आपको क्या पिछोकड़ क्या है, आपका नाम आ रहा है कि आप इनकी रैली नहीं होने दे रहे हो, यहाँ पर रुकावट पैदा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इनकी रैली किसकी रैली नहीं है, हम किसकी रैली? कांग्रेस वाले की रैली। क्या आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हो? सर बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये लोग घबराए हुए हैं। मेरी हालत देखो, अगर मीडिया आपके पास है ना, सवेरे से 5 बजे से ऐसे लगे हुए हैं, टेंट लगवा रहे हैं हम यहाँ पर, ये बार बार परेशान करके अपना 10-20 बंदे बुला के कभी इधर बुला रहे हैं कभी थाने बुला रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इनकी प्रोग्राम ना हो, प्रोग्राम फैल करने के लिए ये इसमें लगा हुआ है, ये हमें परेशान कर रहा है, इतना मतलब दबाव डाल रहे हैं ये लोग मिलके कि इसका प्रोग्राम ना हो, ये घबराया हुआ है कि यहाँ पर अगर आज की डेट में अगर इनका प्रोग्राम होता है ये माहौल बदलने वाला, हवा बदलने वाली है और ये हवा बदलेगा, इनके कहने से डराने धमकाने से हम धमकने वाले नहीं है, क्योंकि ये परेशान किया जा रहा है हमें सवेरे से। आपको थाने क्यों ले जाया गया? थाने हमें बुलाया गया, कहता आओ यहाँ पे बात कर ले, इनके बंदे आए थे, ये कह रहे कि आप बात करो जीती साहब से, सिद्धू साहब से, वो कहेंगे टेंट लगने देंगे, नहीं तो नहीं लगने देंगे आपका टेंट। जीती साहब से? हाँ जी, जीती साहब से मेरी बात हुई है, वो कहता आप टेंट हटा के लगाओ, वहाँ पे टेंट नहीं लगाना, एसएचओ साहब मतलब सामने खड़े थे, डीएसपी साहब भी है वहाँ पे, यही बोल रहा है कि मतलब आप बात करो उनसे तभी टेंट लगेगा। मैं कह सर आपका प्रोग्राम, सर आम पुलिस आपको ये कह रही है कि लीडर से बात करो फिर लगेगा, मतलब प्रशासन अधिकारी ने पूछा कि आपके पास परमिशन है, मैंने परमिशन दिखाया कि हमारे पास परमिशन है, परमिशन के बगैर हम नहीं कर रहे, परमिशन है हमारे। इन्होंने फिर जो यहाँ के लोकल सरपंच है ये कहता बाय नेम इसके नाम से पर्चा दो, इन्होंने पाइप हमारा पाइप हटवाया ये कर। मैं कहा सर सरपंच साहब मैं माफी चाहता हूँ आपसे, अगर मैंने कोई गलत किया है काम तो, मैं कहा सर आपका 4 बजे प्रोग्राम है और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि 3:30 बजे हम अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे, आप लोग हमें प्रोग्राम करने दीजिए, लेकिन ये लोग इतना घबराया हुआ है कि नहीं हम प्रोग्राम यहाँ पे होने नहीं देंगे, मनोज तिवारी को हम आने नहीं देंगे यहाँ पे, अभी आप देख रहे अपने बंदे बैठाए हैं टेंट के अंदर बैठाए हैं, ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम हम इनका होने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मनोज तिवारी जी भी यहाँ पर आएगा और बीजेपी का झंडा भी यहाँ पे लहरेगा, प्रोग्राम भी करके दिखाएंगे, इसके डराने धमकाने से धमकने वाले भारत माता मानसिक को, ये 20-20 बंदे ये हमारे गायक है मदन सौकी जी, इनको धमकाए जा रहे, कह रहे बंधक बनाओ इसके सामान फेंको इसके, ये क्या लोकतांत्रिक है, ये गुंडागर्दी? आप लोग लोकल लीडर हो, अगर आपको धमकाया जा रहा तो फिर तो वोटरों पर भी कहीं इसका सीधा वोटर। अभी इन्होंने बरमाजरे में अभी इन्होंने भेजे कांग्रेस के बंदे मेरे घर घर जाके, ये बोल रहा कोई निकलेगा वहाँ पे लाठी से, अभी पुलिस गया एसएचओ साहब गए वो वहाँ पे, ये पीछे से
बंदा को भी रोक रहा है, आने नहीं दे रहा है। ये सारे जगह अपने बंदे लगा रखे, कह रहे यहाँ से कोई जाएगा ही नहीं। मतलब ये लोकतंत्र है। बात एक, लॉ एंड ऑर्डर पे आपको विश्वास है? हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास है। चलो ये देखो, लॉ लगता है कि ऐसे शांति माहौल में आपकी रैली हो पाएगी, इस तरह के माहौल? देखो मुझे तो नहीं लगता, ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये लगा हुआ है कि रैली ना हो, लेकिन हम रैली करेंगे। सारे अपने भरा ने, ठीक है, उन्हां दी परमिशन जिहड़ी है वह साढ़े पांच तक हैगी है। तो उन्नी देर जिहड़े अपने इधर की पार्टी के अपने धार्मिक समागम वाले है, उन्होंने किसी ने हरकत नहीं करनी, अपनी अपनी जगह से चले परमिशन हैगी है। देखो परमिशन है जी, अपना दोनों पार्टियां हैगी है, बट उनका टाइम का क्लैश सी, वो हुण उहदा टाइम आ जिहड़ा सैपरेट कर दिता गया, तो तां कि दोनों पार्टियां का क्लैश ना हो। बाकी समझदार बंदे आ, हुणे दोनों पार्टियां ने मतलब आश्वासन दिता भी असी टाइम के हिसाब से जो टाइम इन्होंने अलॉट किया उस टाइम माहौल खराब ना हो। नहीं, पुलिस कोर्ट पर प्रशासन पूरा इतने तय होया, मैं भी इतने आया ता ही कि सानू लग्या सी कि इदां दी कोई प्रॉब्लम ना आए, बट बाकी जिन्ना कु हुण मैं इत्थे आके मैनू एहसास होया कोई इदां दी प्रॉब्लम नहीं हैगी। तो अपना साढ़े पांच तो बाद जी दूजी पार्टी कर लेगी, चार राजी है, राजी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।